सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में 3 दिवसीय इंस्पायर विज्ञान प्रदर्शनी का समापन हो गया। समापन समारोह में प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सोलन पहुंचने पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। शिक्षा मंत्री ने सोलन के ठोडो मैदान में एकत्रित हुए नन्हे वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए मॉडल्स को निहारा और उनकी जमकर तारीफ भी की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वे लगातार हिमाचल में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करेंगे और सोलन, शिमला, सिरमौर में विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसको लेकर गहन चिंतन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां सुधार की गुंजाइश होगी उसे भी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इंस्पायर कार्यक्रम का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि ग्रामीण इलाकों में पढ़ रहे गुणवान विद्यार्थियों को वैज्ञानिक सोच को निखारा जा सके। इसलिए सोलन में राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शन में प्रदेश भर से आए 184 मॉडल्स को प्रदर्शित किया गया, जिनमें से 18 का चयन राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी के लिए किया गया। उन्होंने सभी चुने हुए 18 प्रतिभागियों को बधाई दी और मंगल भविष्य की कामना भी की। जो अच्छे निजी विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने से महरूम रह जाते हैं, वो सब जो है वो केंद्रीय सरकार की योजना के अंतर्गत इस प्रतियोगिता में भाग लें, अपनी अपनी जो उनकी रिसर्च है, जो खोज है, जो वो सोचते हैं विभिन्न विषयों के ऊपर, उस पर कुछ नया करके दिखाएं, उसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 184 जो मॉडल आए थे उनमें से 18 जो है वो राष्ट्रीय स्तर के लिए चुने गए हैं। मैं जो विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे, मैं उन सभी को बहुत बधाई देता हूँ।